सो गाइस वेलकम है आपका मिर्च मसाला न्यूज में। मैं बात करने वाली हूँ ससुराल सिमर का सीजन 3 के बारे में। जी हाँ, हमारा आज टॉपिक सीजन 3 ही होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसका हम सीजन 1 और सीजन 2 देख चुके हैं और लोगों ने दोनों ही सीजन को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। जी हाँ, सीजन 1 भी सुपर डुपर हिट सीजन था और बहुत लंबा भी चला था। इसके हमें 2685 एपिसोड देखने को मिले थे और पब्लिक ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया था। इस सीरियल को सुपर डुपर हिट मोस्ट पॉपुलर सीरियल रह चुका है, जिसमें हमें दीपिका कक्कर, अविका गौर और बहुत से किरदार देखने को मिले थे और पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। इसके अलावा इसके बाद कुछ अरसे बाद हमें सीजन 2 भी देखने को मिला था। जी हाँ, सीजन 2 में हमें अविनाश मुखर्जी, राधिका मुथुकुमार, तानिया शर्मा, करण शर्मा और बहुत से किरदार देखने को मिले थे। सीजन 2 में हमें कुछ पुराने किरदार भी देखने को मिले थे तो कुछ नए किरदार भी देखने को मिले थे, लेकिन सीजन 2 को भी पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसके हमें 629 एपिसोड देखने को मिले थे। और उसके बाद प्रॉपर एंडिंग के बाद इसको ऑफर कर दिया गया था और अब काफी टाइम हो चुका है इसको ऑफर हुए हुए। जी हाँ, इसका लास्ट एपिसोड हमें 7 अप्रैल 2023 को देखने को मिला था, लेकिन अब सुनने में का सीजन 3 भी हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ससुराल सिमर का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही सुपर डुपर हिट सीरियल रह चुके हैं और पब्लिक ने दोनों ही सीजन को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो देखना यह कि सीजन 3 में हमें कौन से किरदार देखने को मिलने वाला है, पुराने कास्ट हमें देखने को मिलेगी या फिर नई सारी कास्ट होगी। तो खैर, यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि दो नाम सामने आ रहे हैं, अविनाश मुखर्जी का और राधिका मुथुकुमार का नाम सामने आ रहा है कि यह हमें सीजन 3 में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, राधिका ने सिमर का किरदार निभाया था और अविनाश ने आरा का किरदार निभाया था और पब्लिक ने केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया था। सुनने में यही सीजन 3 में भी हमें ये कपल दोबारा देखने को मिल सकता है। तो अब देखना यह कि बाकी पुरानी कास्ट हमें देखने को मिलेगी या नहीं। सीजन 2 में हमें सीजन 1 का तकरीबन पुरानी कास्ट देखने को मिली थी, तो अब देखना यह कि सीजन 2 की कास्ट हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगी या नहीं। ये तो हमें आगे जाके पता लग ही जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीजन 3 में हमें पुरानी कास्ट देखने को मिले या फिर नई कास्ट देखने को मिले, मुझे अपनी राय कमेंट में जो बताएगा। बाकी आप लोग चाहते हैं कितने एक्साइटेड हैं राधिका मधुकुमार और अविनाश को एक साथ दोबारा देखने के लिए, इन केमिस्ट्री को देखने के लिए, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सीजन 2 की मोर अपडेट्स के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।